thank you गुरु माँ बहुत बहुत स्वागत है अखंड मंथन में तो गुरु माँ ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है ये इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा और इस ग्रहण को लेकर के दर्शकों के मन में बहुत सारी शंकाए हैं बहुत लोग इसको बहुत अशुभ बता रहे हैं आपके अनुसार ये सूर्य ग्रहण कब लगेगा पहला तो प्रश्न ये है दूसरा ये किन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये हमारे इस साल का आखिरी ग्रहण होगा और रात्रि आठ बजे से लगेगा जबकि रात्रि आठ बजे सूर्य निकलता नहीं है लेकिन सूर्य और चंद्रमा के आमने सामने होने से और राहु केतु के इनके साथ मिलने से ये ग्रहण बनता है तो ये मतलब रात को आठ बजे से लगेगा और इसके अंदर मेन मैं आपको ये बताऊं कि ये धनु राशि पे लग रहा है और धनु राशि पे लगने का मतलब ये है कि जो हमारा शपथ ग्रहण हुआ है वो हुआ है वृक्ष लगन के अंदर और उसके ये अष्टम स्थान में आएगा उस वक्त भी मुझे थोड़ी सी मतलब महाराष्ट्र में मतलब ऐसी संभावनाएं लगती हैं सरकार के उठापटक में लेकिन मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि जो हमारे अखंड मंथन को देखने वाले हैं वो सब लोगों के लिए किस किस राशि पे इसका क्या क्या फल देगा सबसे पहले तो आप ये देखिए मेष राशि पे मेष राशि पे चिंता चिंता रहेगा और संतान की तरफ से थोड़ी सी परेशानी रहेगी जो मेष राशि वाले हैं वो चाहे वो नाम से हो चाहे वो चंद्र कुंडली से हो उसके हिसाब से उनको संतान की और वैसे उनको चिंता रहेगी दूसरा है वृष शत्रुओं से भय और आप ये देखिए कि जब शपथ ग्रहण हुआ है तो उस वक्त लगन क्या था वृक्ष लगन था तो इसमें आ रहा है शु... हाँ इसके अंदर जो है आपका जो आ रहा है शत्रुओं से भय और आ, समस्या उत्पन्न होनी ये आ रहा है वृक्ष लगन के लिए तीसरा आ रहा है मिथुन के लिए स्त्री को पति से और पति को स्त्री से कुछ कष्ट मतलब जो मिथुन वाले होंगे क्योंकि आप देखिए मिथुन में अगर हम लेते हैं तो मिथुन राशि लगन में आती है और धनु में ये लग रहा है तो ये दोनों आपस में सप्तमेश हो गया तो पति पत्नी में कुछ आपस में मनमुटाव या किसी को कोई कष्ट या कोई रोग या कोई चोट या एक्सीडेंट होने की संभावना है उसके बाद आता है करक करक के अंदर आता है रोग तो जैसे उनको कोई रोग हो जाए या कोई उनकी बीमारी हो उसे हो, या कोई गुप्त शत्रु खड़ा हो जाए गुप्त चिंता हो जाए फिर आता है सिंह सिंह के लिए खर्चा अधिक होगा इनकम कम होगी सिंह राशि वालों के लिए खर्चा अधिक और इनकम कम होगी और कन्या राशि वाले के लिए कार्य में सिद्धि उनके कार्य में सिद्धि होगी क्योंकि दसवां उनको लगेगा तो उनके कार्य में सिद्धि आएगी तुला वालों को धन का लाभ होगा तुला राशि वालों को धन का लाभ होगा वृक्षक वालों को आएगा धन की हानि विचक वालों को धन की हानि और जो धनु राशि है उसको दुर्घटना से भय मतलब दुर्घटना होने की कोई संभावना या एक्सीडेंट या कोई थोड़ी चोट वोट लगने की ऐसी संभावना है उसके बाद आती है मकर मकर वालों को जो होता है कि धन की कुछ हानि होगी क्योंकि उनसे बारहवें में ग्रहण लग रहा है मकर राशि से बारहवें में धनु में लग रहा है जिसकी धनु राशि में उस वक्त में शनि होगा उसकी तीसरी दृष्टि जो है धन पे और परिवार पे होगी तो उस प्रकार से उसको उस तरीके की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसके बाद आती है कुंभ कुंभ उसमें आएगा धन के धन का लाभ उन्नति जो कुंभ राशि वाले हैं उनके जो है एकादश में ये ग्रहण लगेगा तो एकादश का जो ग्रहण होता है वो बहुत लाभदायक होता है और ये पूरे साल चलता है जो ये ग्रहण है ये पूरे साल उन्नीस दो का पूरा फल देगा इसके बाद आती है मीन मीन के अंदर भी क्या है रोग कष्ट और हानि मीन राशि वालों के लिए रोग कष्ट और हानि होगी तो ये ये तो हो गया राशि वालों के लिए बाकी अगर आप देखिए कि जो ग्रहण होता है जब ये ग्रहण लगता है जो हमारी माताएं, बहनें या जो हमारे से जो मतलब प्रेग्नेंट होती हैं उनको अगर कुछ कम दिन चढ़े हुए हैं चार पाँच छः महीने का उनके मतलब उनको पेट से है, तो उनको मतलब भगवान का जाप करना चाहिए और मतलब जितना मंत्र हो सके वो करना चाहिए काटा पिट्टी का कोई काम नहीं करना चाहिए कि जो बच्चे को कोई ग्रहण लगे और ज़्यादातर मैं सब लोगों को ये बोलूँगी कि कोई भी जनता जनार्दन हो जिस वक्त में ग्रहण लगे जितना भी हो सके वो बैठ के पाठ करें स्नान करें या जैसे गंगा में जमुना में कहीं भी जाके स्नान करें और नदी किनारे किसी एकांतवास में अपने मंत्र की सिद्धि करें जो वो पूरा मंत्र उनको पूरे साल उसकी सिद्धि का कार्य करेगा तो ग्रहण में ये चीज़ें बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं तो इसीलिए मैं सब लोगों को ये बोलूंगी जो अपने मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं अपने इष्ट के मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं उस चीज़ का करें और खाने पीने की हर चीज़ में दुर्वा तुलसी के पत्ते डालें और जब अगले दिन ग्रहण समाप्त हो उस वक्त में स्नान करके जो भी तुमने थोड़ा बहुत अपना दान का सामान निकाला हो वो जो ये मांगने वाले दान वाले आते हैं उनको आप दीजिए गरीब लोगों को दीजिए जिससे कि उनका आगे के लिए भला हो और हमारे हाथ से दान निकल जाए तो ये हमें ग्रहण के दिन करना चाहिए